डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ क्लास के लिए, सीबीएसई वालों के लिए हम लोग सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि नाइन्थ क्लास में जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग पढ़ते पढ़ते ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.5 वाले एक्सरसाइज में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 11 तक का हम लोगों को बेसिकली कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ना है। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सवाल बोल रहा है कि आप वेरीफाई करो, क्या करो, वेरीफाई किसको वेरीफाई करना है भाई? तो वेरीफाई करना है एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट। हमें प्रूव करना है इतना इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो चीजें दी गई है इसे हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूफ करना है तो आप ये कर लो कि आरएचएस से चलते 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 अगर एलएचएस में मिल जाए। अब किसको हम लोग आरएचएस और किसको एलएचएस बोलते हैं? तो जो बराबर का साइन दिख रहा होता है इसके पहले वाले पार्ट को बोलते हैं एलएचएस, और बराबर के उधर वाले साइड जो भी चीजें दिख रही है इतना बराबर के उधर वाले इसको बोलते हैं हम लोग RHS, ठीक है। तो आप इसको किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो LHS से चलते चलते आप RHS ला दीजिए, या फिर आप RHS से चलना शुरू कीजिए और फिर आप LHS ला दीजिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन ला देते हैं आप तो आपको ये वेरीफाइड हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने में। सॉल्यूशन में आप यहां पे हम लोग चल रहे हैं हम लोग किसमें, फ्रॉम आरएचएस। हम लोग किससे चलने वाले हैं, आरएचएस से। तो आरएचएस में क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट। आपको पता है ना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। फार्मूला क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने की वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। और इसका क्या बनेगा दोस्तों, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लिया है, इसको भी तोड़ लिया, क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ लिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ लिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहां पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ दोनों को मिलाएंगे क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया दोस्तों, 2x स्क्वायर। वैसे ही यहां वाई स्क्वायर है और यहां वाई स्क्वायर है, दोनों को ऐड करके कर दिए 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर क्या बन गया, 2z स्क्वायर, ठीक है।
और एक्स वाई अकेला है ना, एक्स वाई तो अकेला है, तो इसको लिख दिया जाए माइनस टू एक्स वाई, वाई जेड भी माइनस में है तो माइनस टू वाई जेड, जेड एक्स भी किसमें है माइनस में तो माइनस टू जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। चलिए आगे फिर हम लोग शुरू से ऊपर से चलते हैं, तो यहां पे देख पा रहे होंगे वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सब में टू 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 कॉमन है, तो हम इसको टू जो है कॉमन कर लिए, तो टू कॉमन करेंगे तो यहां क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। सब में से क्या कर लिया भाई, यहां पे टू 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 को कॉमन कर लिया, बाहर निकाल लिया। इसको करने से आप देख पा रहे होंगे टू से टू क्या हो रहा है, कट रहा है, तो जब टू से टू कट गया तब क्या बच रहा है यहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीजें बच रहा है। हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, एक्स को लिखेंगे और फिर इतना सारा को लिखेंगे, यानी कि इसको गुणा कराने का मल्टीप्लाई करने का यही रूल होता है कि किसी एक चीज को लिखिए और फिर उस पूरे चीज को लिखिए। जैसे कि इतना के सारा मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग पहले एक्स लिखेंगे फिर ब्रैकेट डालेंगे पूरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये पूरा उतार लिए। फिर वाई को लेंगे तो यहां लिखेंगे प्लस वाई, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स, फिर वैसे ही प्लस जेड को उतारेंगे, फिर पूरा को उतारेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये चीजें हम लोगों को बच रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या सीखे भाई, कि इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे, तो एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल करना है एक्स क्यूब, एक्स को वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई स्क्वायर, एक्स को जेड स्क्वायर के साथ एक्स जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स 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 स्क्वायर वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। फिर यहां पे क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस जेड एक्स स्क्वायर, सबको एक्स से गुना कर दिया, फिर अब की बार वाई से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा क्या वाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे वाई का क्यूब, वाई को जेड स्क्वायर के साथ वाई जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड। फिर हम लोग यहां पे करेंगे क्या मिलेगा, जेड को एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या हुआ यहां पे हम लोगों को बन रहा है प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर जेड को वाई स्क्वायर के साथ जेड वाई स्क्वायर, जेड को जेड स्क्वायर के साथ जेड क्यूब, जेड को माइनस एक्स वाई के साथ माइनस एक्स वाई जेड, फिर इस जेड को इसके साथ तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर एक्स, सबको इतना सारा गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद
हम लोगों को जो मिल रहा है जरा देखिए क्या क्या मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों को LHS आता है या नहीं आता है, या फिर कैसे आता है, कैसे वेरीफाई होता है। आप देख पा रहे होंगे XY स्क्वायर प्लस में है और यहां पे XY स्क्वायर माइनस में है, तो ये कट गया। फिर ढूंढिए XZ स्क्वायर, तो XZ स्क्वायर यहां पे क्या है, प्लस में, यहां पे भी तो XZ स्क्वायर है। इधर उधर से कोई माने मतलब नहीं होता है, दोनों एक ही है। XZ स्क्वायर बोलो या Z स्क्वायर X बोलो, दोनों तो एक ही हुआ ना। तो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। फिर आप ढूंढिए x स्क्वायर y कहां है, तो x स्क्वायर y आप देख पा रहे होंगे कि माइनस में है, ये भी तो x स्क्वायर y प्लस में है। आप x स्क्वायर को पहले लिखिए, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा कि 2 इंटू 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 6, और 3 इंटू 2 कितना होता है, फिर भी वही 6 होता है ना। तो इधर उधर से हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन जिसका स्क्वायर रहना चाहिए उसी का स्क्वायर रहना चाहिए। x का स्क्वायर है, यहां पे भी x का स्क्वायर है, y है, एक माइनस में एक प्लस में, कट गया। फिर आप देखो जेड एक्स स्क्वायर कहां है, ये तो माइनस में है और ये जेड एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो ये से ये कट जा रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे वाई जेड स्क्वायर कहां है, तो वाई जेड स्क्वायर यहां पे देख पा रहे होंगे, वाई जेड स्क्वायर किधर है भाई, तो हाँ वाई जेड स्क्वायर यहां पे प्लस में है और यहां वाई जेड स्क्वायर माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर देख पा रहे होंगे आप, तो वाई स्क्वायर जेड माइनस में है, ए वाई स्क्वायर जेड प्लस में है, कट आउट हो गया। तो यहां पे हम लोगों को क्या क्या बच रहा है जरा देखिए। यहां एक्स क्यू बच रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड बच रहा है, जो जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे वाई क्यू बच रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे इधर, ये तो कट गया ना यहां पे, जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया। फिर से माइनस एक्स वाई जेड बच रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे जेड क्यू बच रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे माइनस एक्स वाई जेड बच रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि एक्स वाई जेड तब ना कटता जब एक माइनस में और एक प्लस में रहता, यहां तो सभी चीजें माइनस में है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, और ये भी एक्स वाई जेड माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो टोटल कितना माइनस हो गया, 3xyz। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम लोगों को ये आ गया है LHS, दैट इज वेरीफाइड। क्या लिख देंगे इसको, वेरीफाइड लिख देंगे। तो टोटल मिलाकर अगर बात किया जाए तो हम लोग का यही सिचुएशन था, यही हम लोग को करना था कि आप वेरीफाई कीजिए, मतलब LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे 13 पे। हम लोग ध्यान रहे RHS से चले हैं, RHS से चलते चलते हम लोगों का LHS मिला हुआ है, ठीक है, LHS मिला हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमें क्या बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, गिवन क्या गिवन है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो, तो वी हैव टू शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3AXYZ। चलिए हमें क्या बोल रहा है भाई, हमें बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है, जीरो। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर थ्री एक्स वाई जेड। ये चीजें हमें शो करना है या प्रूफ करना है, बात वही है। कब प्रूफ करना है? जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो आ जाए। तो अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला, फार्मूला का बात करें तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फार्मूला होता है, क्या होता है, वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का जीरो स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, फॉर्मूला है, और हमें करना क्या है, इतना के इक्वल जीरो दिखाना है। हमें सवाल में कितना दिया है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया है जीरो, तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे जीरो रख सकते हैं। यहां पे क्या बन रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम लोग रख दिया जीरो, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि फिर से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, उसके जगह पे तो पुट कर दिया जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर जीरो से उसको गुना किया जाए तो पूरा नंबर ये कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को गुना करते हैं, जीरो के साथ इसका करे इसका करे सबको गुना करने के बाद कितना आता है, जीरो। सो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस थ्री एक्स वाई जेड को राइट साइड लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस में थ्री एक्स वाई जेड। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव्ड कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें सवाल बोल रहा था कि आप ये चीजें तभी दिखाओ, तभी शो करो जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, जीरो के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 कि 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 14 में कि आप उसका वैल्यू निकालिए विदाउट कैलकुलेशन। जैसे कि 14 में हम लोगों को वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है किसका किसका, माइनस 12 का क्यूब, फिर प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। अब इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला पे है। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका क्यूब और इसका क्यूब निकालकर और ऐड कर दीजिए, तो ये सवाल साफ मना किया है कि आप जो है विदाउट इसको क्यूब किए हुए आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा हियर, सबसे पहले सबको जोड़ के देखिए कि जीरो आता है कि नहीं, तो माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि माइनस 12 और 7 और 5 को यानी 7 5 को जोड़ेंगे 12, कट के कितना हो जाएगा सब, जीरो। नाउ इसलिए हम लोग फार्मूला यहां पर बनाएंगे, क्या फार्मूला होता है, 3xyz, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे माइनस 12, y के जगह पे 7 और z के जगह पे 5, और सबको मल्टीपल कर देना है, तो माइनस तो माइनस रहेगा ही और 12 3 7 5 को गुना कर दीजिएगा, जैसे 12 3 जा 36 और 7 5 जा 35, इसको मल्टीपल कर देंगे तो 30 0 हाथ में 3 180
और छात्री 18 अपने 1 और 10 यानी कि 1260 कितना आ रहा है 1260 तो माइनस में 1260 होगा। तो वैसे ही दोस्तों जैसे हम 14 नंबर का पहला क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही आपको 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जैसे कि 14 का पहला बताया ना सेम क्वेश्चन 14 का सेकेंड भी है तो आप ऐसे ही 14 का दूसरा बनाइएगा। पहले चेक कर लीजिएगा कि जीरो आता है कि नहीं, जीरो जब आ गया तो आप फार्मूला यूज कर लीजिएगा 3xyz ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो बोल रहा है दोस्तों बोल रहा है कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है वह एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, किसी न किसी रेक्टेंगल का हमें एरिया दिया हुआ है और उस एरिया में हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। सवाल क्या बोला गया कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का एरिया हमें दिया गया है और वही एरिया से हमें उसका लेंथ और उसका ब्रेथ निकालना है। चलिए सीखते हैं 15 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है एरिया इज इक्वल टू दिया है 25a² - 35a + 12 ठीक है +12। अब हमें क्या करना है यहां पे इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना भाई फैक्टराइज करना है यानी कि यहां से आपको फैक्टराइज करके और लेंथ और ब्रेथ निकालना है। एरिया दिया हुआ है हमें लेंथ निकालना है और ब्रेथ निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो कुल मिलाकर हमें इसको क्या करना होगा क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो हमको पूरा एरिया दिया है 25a² - 35a + 12 तो इसको हम लोग क्या करना है इसको हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो इसको जब लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो ये कैसे निकलेगा भाई तो ये जो एरिया मिलता है लेंथ इनटू ब्रेथ से मिलता है तो आप इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम बता चुके हैं आपको कि सबसे पहले जो स्क्वायर रहता है उसको और बिना स्क्वायर वाले को मल्टीपल कीजिए तो 25 और 12 को मल्टीपल कीजिए 25 × 2 = 50 25 को 1 से करेंगे 25 तो यहां बनेगा 300 ठीक है। अब इस 300 को दो ऐसा पार्ट में ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए -35। तो ये जो 300 आ रहा है आप इसका फैक्टराइज कीजिए तो 2 से कितनी बार में कटेगा 150 बार में, 2 से कितनी बार में कटेगा 75 बार में, 5 से कितनी बार में कटेगा 15 बार में, 5 से कितनी बार में कटेगा 3 बार में। अब हम लोग को इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से कितना है 35 आए वो भी माइनस में। तो जैसे मान लिया 25 कर दिया और नहीं तो फिर इसको 5 × 10 और 10 × 20 इसको अगर मिलाएंगे तो 20 हो गया और 5 × 3 = 15 तो 15 और 20 मिलकर कितना हो जाता है 35 हो जाएगा। तो जी बिल्कुल अब हमको पता चल गया कि 35 को कितना कितना में ब्रेक करना पड़ेगा तो 15 और 20 ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा गिवन 25a² - 35a + 12 तो यहां पे हम इसको ब्रेक करेंगे कितना कितना पे 25a² इसको 20a पर और 15a पर तोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा तोड़ने अच्छे से आना चाहिए, यहां पे -35 है ना तो हम इसको कितना कितना पे ब्रेक करेंगे
माइनस 30 और माइनस 15 पे, माइनस 20 और माइनस 15 पे, क्योंकि माइनस माइनस जब रहता है तो वो माइनस रहता है लेकिन ऐड हो जाता है, और प्लस में कितना 12। आप देख पा रहे होंगे अब इसमें से इसमें कितना कॉमन हो रहा है, तो 5 कॉमन हो रहा है, तो 5a कॉमन कर लीजिए तो यहां हो जाएगा 5a माइनस 4, और यही चीज को यहां भी रखेंगे 5a माइनस 4, यहां पे कितना होगा तो माइनस 3। अब इसको दो पार्ट में तोड़ने के लिए हम क्या बोले हैं कि 5a माइनस 3 को एक तरफ रख दीजिए 5a माइनस 3, और दूसरे तरफ कितना हो जाएगा 5a माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग का कहीं ना कहीं ये हो गया हम लोगों का फैक्टराइजेशन। फिर लिखिएगा सो किसी एक को हम लेंथ बोल सकते हैं, अगर आप इसको लेंथ बोलते हैं तो इसको ब्रेथ बोलना पड़ेगा, अगर आप इसको ब्रेथ बोलते हैं इसको लेंथ बोलना पड़ेगा, हम इसको लेंथ बोल दे रहे हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया 5a माइनस 3, और ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया आपका 5a माइनस 4, 5a माइनस 4। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे ही आप यूज करके 15 का जो सेकंड क्वेश्चन है आप इसी तरीके से उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हम इसमें से आपको छोड़े हुए हैं, तो इस तरीके से हम लोग 15 का टोटल क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाएगा। दो ही क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जैसे कि आपको पता है अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एरिया वाले पे, अभी हम लोग का 16 नंबर में जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम पे है। किसका वॉल्यूम, तो क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम हमें सवाल में दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है और उसका हमें डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब किसी भी क्यूबॉइड में लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं एंड हाइट होते हैं, तो हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकालेंगे। 16 का पहला सवाल में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, तो दिया है 3x² - 12x, 3x³ - 12x। यहां पे एक मिस्टेक है, ठीक है, एक मिस्टेक है, 3x³ - 12x। अब हमें यहां पे डायमेंशन निकालना है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, सबसे पहले तो x कॉमन कर लिया या 3x कॉमन कर लिया दोनों से, तो यहां क्या बच रहा है x² - यहां पे बच रहा है 4। ठीक है, x² - 4। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x को 3x, x² - 2² और a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b (a-b), यानी कि 3x (x+2) (x-2). सो यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि किसी को भी लेंथ बोल देंगे, सो लेंथ हो गया हम लोगों का 3x, ब्रेथ हो गया x+2 और हाइट हो गया x-2। तो कुल मिलाकर हम लोगों को 16 का दूसरा सवाल में भी ऐसा ही कुछ करना है, यानी कि आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसको तीन प्रकार के फैक्टर तोड़ना है, तीन फैक्टर तोड़ना है, जिसमें किसी को भी आप एक को लेंथ बोलिएगा, दूसरे को ब्रेथ और तीसरे को हाइट, तो तीनों हम लोग को डायमेंशन निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज था हम लोगों का 2.5, ये पूरी तरीके से पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया है।
तो आने वाले अगले क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।